सभी को मेरा राम राम। आज मैं आपको 10th क्लास का ड्राइंग ए का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मेरे पास एक पुराना पड़ा हुआ है, मैं उसको आपको बताऊंगा कि उसमें किस तरह के प्रश्न जो है वो आए थे, कौन कौन से प्रश्न आए थे और बोर्ड कैसे जो है क्वेश्चन पेपर को सेट करता है। इसी तरह के मैं दो वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, दो प्रश्न पत्र मैं पहले भी इस तरह से बता चुका हूँ आप लोगों को, और दो तीन में और भी मेरे पास पुराने प्रश्न पत्र पड़े हुए हैं, उसका मैं रिव्यू वैसे ही करूँगा। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं और उत्साह से इस कार्य को करता रहूं, तो आप वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है, या आप सभी जानते हैं कि ऊपर रोल नंबर लिखा जाता है। पेपर वही 3 घंटे का है, 50 नंबर का आपका पेपर है। निर्देश हर इसमें दिए होते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, शीट के केवल एक साइड ही आपने काम करना है, ध्यान रखना है। कई बच्चों ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर 6 प्रश्न बनाने होते तो क्या वो बहुत साइड नहीं बना सकते, तो आपने 1 साइड ही बनाने, बहुत साइड आपने यूज़ नहीं करना है। आपको 2 शीटें दी जाएगी, एक स्केल ड्राइंग के लिए, अगर ज्योमेट्री के लिए ज्योमेट्री आपने एक कागज पर बनानी और ये 1 साइड ही बनानी हो, कागज बड़ा होता है, आपकी ड्राइंग शीट से बड़ा कागज होता है, इसलिए आपने उसको जो है वो एक ही शीट पे 6 प्रश्न आपने बनाना है। और अपना जो रोल नंबर आपने वो सफाई के साथ दाहिने साइड में लिखना है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप अपना जो लिख सकते हैं अंकों में और शब्दों में आपने उसमें लिखना है। सफाई का विशेष ध्यान रखना है। स्केल ड्राइंग में जो आपकी स्केल ड्राइंग बनती है उसमें 3 नंबर जो है वो सिर्फ सफाई के ही है, सफाई के और लिखाई के ही बनते हैं। तो जो भी आप ज्योमेट्री बनाओगे उसमें उत्तर की रेखाएं दर्शाई अलग होनी चाहिए, डॉटेड लाइनें अलग दर्शाई होनी चाहिए, तो तभी उसके जो है अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जो आपके लिए पहला प्रश्न इसमें दिया गया है वो है कि ए बी रेखा पर सम सप्तभुज विशेष ढंग से बनाओ। ये जो प्रश्न आपका है ये आपके बुक में 91वें प्रश्न पर है और पेज नंबर है 43, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। दूसरा आपका जो है वो दिए हुए वृत्त ओ की अर्ध परिधि के समान रेखा ज्ञात करो। ये जो प्रश्न है ये 102 आपकी बुक में 102 प्रश्न नंबर है और पेज नंबर है 50। तीसरा आपके लिए प्रश्न इसमें दिया गया है कि दो समान वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो। ये जो प्रश्न है ये 104 आपकी बुक का 104 प्रश्न नंबर है और पेज नंबर है ये 51 पे आपके दिया गया। अथवा इसमें एक प्रश्न और दिया गया है कि दो असमान परस्पर स्पर्श करते वृत्तों की भारी स्पर्श रेखा खींचो। ये जो प्रश्न है ये 107 प्रश्न नंबर है आपकी बुक का और ये 52 पेज पर है। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए मैं आपके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसमें सॉल्व किए हुए सभी प्रश्न इसमें जो है वो बताए गए हैं, आप वहाँ से देख करके वीडियो को आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है 3 स्पर्शक वृत्त खींचो जिनके केंद्र स्थान ए बी सी दिए हैं। जो चौथा प्रश्न है ये आपकी बुक में 121 प्रश्न नंबर है और पेज नंबर है ये 57, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। अगले हमारा जो प्रश्न है वो है सोलि ज्योमेट्री में से और पांचवा जो प्रश्न आपका है ये है कि एक सम षटभुज शुंडाकार अपने आधार पर खड़ा है, उसकी भुजा एक्स वाई के साथ समानांतर है, उसका सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर और शुंडाकार की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है हो 5 सेंटीमीटर दी हो। तो ये जो पांचवा आपका प्रश्न है आपकी बुक में जो सॉलिड ज्योमेट्री में ये प्रश्न नंबर 15 है, जो आपकी बुक है उसमें 15 प्रश्न नंबर पर ही दिया हुआ है और ये पेज नंबर है आपका 71, वहाँ पे ये आप देख सकते हैं। इसकी भी प्लेलिस्ट में आप जब आप मेरी प्लेलिस्ट में देखते हैं मेरे ड्राइंग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने जो ना प्लेलिस्ट मेरी चेक करनी है, प्लेलिस्ट में 10th क्लास की प्लेलिस्ट में सब जो है प्रश्न है वो सॉल्व किए आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 जो है आपका दिया वो आपके क्वेश्चन पेपर में ये बोर्ड ने जो डाला था ये है कि एक घन क्षेत्र का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि वह अपने आयताकार आधार एच पी पर पड़ी दिशा में पड़ा है और एक्स वाई के साथ बाईं ओर 30 डिग्री का कोण बनाता है, उसकी भुजा 3 सेंटीमीटर और लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो आपका प्रश्न है छठा जो है ये है प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 पे ये है और इसका जो पेज नंबर है वो 78 है, 78 पेज नंबर पे ये दिया हुआ है आपका। और जो अगला आपका प्रश्न है अथवा में एक इसमें और दे रखा है कि शंकु का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जो अपने शीर्ष पर क्षितिज धरातल पर खड़ी है,
शंकु का अर्ध व्यास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो प्रश्न है ये आपकी बुक में 23वां प्रश्न है, पेज नंबर है 75। तो ये जो आपके 6 प्रश्न इसमें से बताए गए हैं अथवा वाले जो ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 और 3 है, इनमें से आपने एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं, एक करना है। और सभी जो 6 प्रश्न है ये 4-4 नंबर के हैं, 24 नंबर की आपकी ज्योमेट्री आती है। अगला जो आपका है वो है प्रश्न नंबर 7 और ये स्केल ड्राइंग का आपका प्रश्न है। इसमें जो स्केल दी हुई है ये ड्राइंग डेस्क की स्केल है, इसका आपने एलिवेशन साइट प्लान बनाना है। पैमाना इसमें 1.10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो आपकी स्केल है आपकी बुक में ये स्केल नंबर 23 है, आपकी बुक में पेज नंबर है इसका 100। इसके भी मैंने जो है वो सॉल्व स्केल बना रखी है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वहाँ से स्केल को आप कर सकते हैं। इसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 36 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 84.84 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी हुई है। थोड़ा मैं आपको बता दूँ अंक कैसे कैसे आपको इसमें मिलेंगे। तो एलिवेशन के आपको 7 नंबर मिलेंगे, साइड के आपको 6 मिलेंगे, प्लान के आपको 6 मिलेंगे। आप अगर इसमें स्केल बनाते हैं, पैमाना बनाते हैं तो उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे और कागज़ बाट आपकी सही है तो 2 नंबर मिलेंगे। वो लिखाई और सफाई में पहले भी आपको बताया था कि लिखाई और सफाई के अलग से मार्क्स मिलते हैं, लिखाई और सफाई के जो है इसमें वो 3 नंबर मिलेंगे। टोटल ये 26 नंबर मिलते हैं। ज्योमेट्री आपकी 24 नंबर की है और जो आपकी स्केल है ये 26 नंबर की है। इस तरह से आपका बोर्ड का जो पेपर हो सेट होके आता है। बहुत जल्दी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें दूसरा प्रश्न पत्र मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो यदि आप चाहते हैं कि ये इसी तरह की वीडियो मैं बनाता रहूं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग।